आईपीएल 2023 का मैच नंबर 18 जो कि मोहाली के ग्राउंड पे पंजाब किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। इस वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करेंगे, हर प्लेयर के बारे में बताएंगे कि कौन से प्लेयर है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पिच की क्या कंडीशन है, कितना स्कोर बन सकता है, बॉलर्स ज्यादा मदद करेंगे इस ग्राउंड पे या फिर आप लोगों के लिए बैट्समैन ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। साथ में ये भी आपको बताएंगे किस टीम के जीतने के चांस ज्यादा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबली प्लेइंग 11 से। पहले बात करते पंजाब किंग के बारे में, तो यहाँ पे शिखर धवन बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं टीम को, हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लास्ट मैच में तो एक तरीके से पूरी टीम बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन अकेले खड़े हुए थे और एंड में बहुत अच्छा फिनिश भी किया था टीम को, लेकिन जीत नहीं दिला पाए थे। उसके बाद उनके साथ ओपनिंग करते आएंगे सिमरन सिंह, वहीं मैथ्यू शॉर्ट या फिर सिकंदर रजा में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। लिविंगस्टन टीम के साथ जुड़ गए हैं तो हाई चांसेस है कि उन्हीं को खिलाएंगे। वहीं उसके बाद अथर्वा, जितेश शर्मा बहुत अच्छे पावर हिटर है, शाहरुख खान ये भी अच्छा फिनिश करते हैं टीम के लिए, सैम कुरन, नाथन एलाइस, राहुल चेहर और अर्शदीप, ये इनकी प्रोबली प्लेइंग 11 हो सकती है। गुजरात की बात करें तो गिल के साथ शाह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही प्लेयर काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, विजय शंकर, लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विजय शंकर ने, कहीं ना कहीं उसकी वजह से टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाई थी। उसके बाद राशिद खान, राहुल तेवतिया, यश दयाल, अलजारी जोसफ और मोहम्मद शमी, हालांकि लास्ट मैच में यश दयाल बहुत ही गंदा पिट गए थे, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे उन्हें, तो कॉन्फिडेंस लो होगा, नया प्लेयर है बट हाँ टीम जरूर इनको बाउंस बैक कराएगी। भाई दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। ज्यादा मैचेस खेले नहीं है गुजरात ने क्योंकि पिछले साल ही फ्रेंचाइजी जुड़ी है आईपीएल के साथ में, 2 मैचेस खेले गए हैं और दोनों ही मैचेस में एक तरीके से पंजाब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक मैच तो ऑलमोस्ट पंजाब जीत ही गई थी लेकिन वहां पर राहुल तेवतिया ने आके पूरा गेम खराब कर दिया था उनका। ओडन स्मिथ बॉलर थे पंजाब की तरफ से जिनको लास्ट की 2 गेंदों पर 2 छक्के मार के गुजरात ने उस मैच को जीत लिया था। स्टैट्स क्या थे वो आपके सामने बताता हूँ। लिविंगस्टन ने 27 बॉलों पे 64 रन स्कोर किया था, शिखर धवन 30 बॉलों पे 35 रन स्कोर किया, जितेश शर्मा 11 बॉलों पे 23, गिल 59 बॉलों पे 96, हार्दिक पांड्या 18 बॉलों पे 27, साई सुदर्शन 30 बॉलों पे 35। ये तो बात हो गई बैट्समैन की। बॉलर्स की बात करें तो राशिद खान 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट लिए थे, नाल पांडे जिन्होंने 3 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट लिए, वहीं लॉकी फर्गुसन 4 ओवर में 33 रन देके 1 विकेट लिया था। ये बात हो गई इन बॉलर्स की। वहीं रबाडा की बात करें तो 4 ओवर में 35 रन देके 2 विकेट मिले थे इन्हें, वहीं राहुल चेहर 4 ओवर थोड़े महंगे साबित हुए थे, 41 रन दिए थे, मात्र 1 ही विकेट मिल पाया था। लिविंगस्टन 1 ही ओवर कराया था और 12 रन दिए थे। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। एक और मैच खेला गया था इनके बीच, उस मैच में पंजाब सीधा जीत गई थी उस मैच को। फर्स्ट बैट हालांकि पहले गुजरात ने की थी, कुछ खास स्कोर नहीं कर पाई थी, 8 विकेट के नुकसान पे 143 रन बना पाई और उस टारगेट को 16 ही ओवर में चेस कर लिया था पंजाब ने। उस मैच में साई सुदर्शन ने 50 बॉले फेस की थी और 65 रन स्कोर किया था। रिद्वान शाह की बात करें तो 17 बॉलों पे 21 स्कोर किया, तेवतिया 13 बॉलों पे 11 रन बना पाए थे, वहीं शिखर धवन 53 बॉलों पे 62, राजा पक्षा 28 बॉलों पे 40 रन स्कोर किया था और लियाम लिविंगस्टन जिन्होंने 10 बॉलें फेस की थी और 30 रन स्कोर किया था नॉट आउट गए थे। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, रबाडा 4 ओवर में 33 रन देके 4 विकेट झटकाए थे उन्होंने, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लिविंगस्टन की बात करें तो 2.3 ओवर में 15 रन देके 1 विकेट मिला था इन्हें, ऋषि धवन 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट, लॉकी फर्गुसन की बात करें तो 29 रन उन्होंने दिए थे, 1 आउट किया था 3 ओवर के अंदर, मोहम्मद शमी थोड़े महंगे साबित हुए थे 4 ओवर में 43 रन दिए थे बट 1 ही विकेट मिला इन्हें, राशिद खान विकेटलेस रहे थे 4 ओवर में मात्र 21 रन दिए थे। तो ये तो बात हो गई जब दोनों टीमें आमने सामने रही थी तब क्या स्टैट्स थे प्लेयर के। अब दोस्तों बात करते जहां पे मैच खेला जाएगा मोहाली में, वहां पे क्या स्टैट्स रहे हैं। T20 डोमेस्टिक मैचेस वहां पे 57 खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 25 मैचेस विन की है, बैटिंग सेकंड ने 32 मैचेस विन किए हैं। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 166 है लेकिन ये सेफ स्कोर नहीं है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 240 है यहाँ पे, लोवेस्ट 60 पे ऑल आउट हो चुकी है टीम। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, बिलो स्कोर 150 12 टाइम, 150 to 169 15 टाइम,
21 टाइम। अब स्कोर 199 टाइम। ये बात हो गई स्कोरिंग पैटर्न की। अब बात करते पिच रिपोर्ट की। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पिच रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आपको बॉलर्स ज्यादा पिक करने हैं या बैट्समैन ज्यादा पिक करने हैं, स्पिनर्स पिक करने हैं या फास्टेस्ट पिक करने हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो ये स्टेडियम है, यहाँ की जो पिच है, हाई स्कोर मैचेस के लिए जानी जाती है। मतलब इस मैच में भी आपको हाई स्कोर मैच देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी टारगेट सेफ नहीं होता। अगर किसी टीम ने 180 स्कोर किया है कि टीम को लगे कि भाई वो आपको डिफेंड कर लेगी टारगेट को इजिली, नहीं दोस्तों, वो टारगेट भी यहाँ पे इजिली चेज हो जाता है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों के लिए आईपीएल में पैसिव इनकम की। अगर आईपीएल में पैसिव इनकम करना चाहते हो तो आप ओएसजी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बोनसेस मिलेंगे। अगर आप मेरा नाम लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी और काफी ज्यादा बोनसेस भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। इस वेन्यू पे क्या स्टैट्स रहे हैं और लास्ट में उनके क्या स्टैट्स रहे हैं। शिखर धवन की बात करें तो अभी इस सीजन उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 225 रन उन्होंने स्कोर किया है और स्ट्राइक रेट 149 का है। मतलब स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, एवरेज भी काफी अच्छा है। तो ये प्लेयर आपको ड्रॉप करना ही नहीं है, स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ खासकर। सिमरन सिंह की बात करें तो 3 मैचेस में 83 रन स्कोर किया है 27 के और 176 का स्ट्राइक रेट है। वही बात करते इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, 23 रन स्कोर किया है, वही स्ट्राइक रेट 191 का था। कुरन की बात करें तो इस वेन्यू पे 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने और 8 विकेट लिए हैं। वहीं इस सीजन 3 मैचेस में 49 रन का इनका एवरेज है। वहीं दोस्तों बात करते हैं नाथन लाइज की, तो 3 मैचेस में 5 विकेट इन्हें मिले हैं। अर्शदीप की बात करें तो 3 मैचेस में 5 विकेट इस वेन्यू पे, और राहुल चहर की बात करें तो इस सीजन 3 मैचेस में 2 विकेट। यानी आपके पास बॉलिंग में जो अच्छे ऑप्शन है, नाथन हो गए और अर्शदीप हो गए। वहीं सैम कुरन ऑलराउंडर में सबसे अच्छी चॉइस है और बैट्समैन में धवन और सिमरन सिंह, ये प्लेयर्स आप लोगों के लिए सबसे अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं पंजाब की तरफ से। अब गुजरात पे नजर डालते हैं। गुजरात की बात करें तो रिद्धिमान शाह लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन टीम के लिए अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। पावर प्ले में बहुत तेजी से खेलते हैं। यहाँ पे उन्होंने इस वेन्यू की बात करें 20 मैचेस खेले हैं, 27 का उनका एवरेज है। वहीं इस सीजन की बात करें तो 18 का एवरेज है, यानी एवरेज कुछ खास नहीं है अभी तक। वहीं गिल की बात करें तो एवरेज 38 का है इस सीजन उनका और 145 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये प्लेयर भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। साई सुदर्शन की बात करें, उनका एवरेज तो बहुत ही अच्छा है, 68 का है, इसको आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। हार्दिक पांड्या की बात करें, लास्ट मैच में खेले नहीं थे, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 6 का उनका एवरेज है, कुछ खास नहीं है। वही बात करते डेविड मिलर की। डेविड मिलर की बात करें, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 173 का स्ट्राइक रेट है इस सीजन उनका और इस वेन्यू पे उनका 150 का स्ट्राइक रेट है और 45 का उनका एवरेज है। मतलब डेविड मिलर आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस है। राशिद खान की बात करें तो 3 मैचेस में 8 विकेट मिले उन्हें इस सीजन। मोहम्मद शमी को 3 मैचेस में 6 विकेट मिले हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो इस वेन्यू पे 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 13 विकेट उन्हें मिले हैं। तो ये तो बात होगी उन प्लेयर्स की जिन्होंने इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस क्या दी है और इस सीजन उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे वो आपके सामने रख दिए। अब आप इनको देख के आराम से अपनी एक ड्रीम 11 की टीम बना सकते हो। बाकी अगर आपको फाइनल ड्रीम 11 की टीम भी चाहिए तो आप लोग को मैं आज अपने एक नए टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जाइएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैच में टॉस होने के बाद एक नई टीम अपडेट करी जाएगी, उसको देखकर आप लोग अपनी भी टीम सिमिलर रख सकते हो। थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना पड़ेगा आपको बस, और आप इजिली ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग तो आराम से विन कर सकते हो। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारी विनिंग टीम के ऊपर। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब बहुत ज्यादा आगे है। पंजाब लास्ट के जो दोनों हेड टू हेड मैचेस है उनमें भी आगे रही थी, हालांकि एक मैच जीत नहीं पाई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग पंजाब इस मैच को जीत सकती है। पंजाब के जीतने के चांसेस 55% है और वहीं गुजरात के जीतने के चांसेस 45% है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज की इस मैच में जीत सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।